बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं तुहाडा मेज़बान अमानत अली साबर अपने जरिए चैनल उत्ते तुहानू खुशामदीद आखना। दोस्तों, अज असी अपनी जिहड़ी वीडियो दा अनुमान रख्या है, एक कल्टीवेशन ऑफ सीसम यानी कि तेल दी काश्त है। अज असी तुहानू तेल दी काश्त दे बारे च कुछ मालूमात देंगे, तो आओ असी अपनी वीडियो शुरू करने हैं। दोस्तों, तुसी जानदे हो जिमीदार किसान भाई कि जिस वक्त जिस तरह हुण गंदम दियां कटाइयां शुरू होईयां ने, तकरीबन ख़त्म होण दे करीब ने, उस तो बाद दोस्त हजरात किसान भाई ये सोचते ने कि असी हुण इस तो बाद केड़ी फसल उगाइए यानी केड़ी फसल काश्त करिए जमीन च। ते मैं दोस्तों तुहानू अपनी परसनल राय दे नाल ये मशवरा देंगा कि कुछ लोग तो जिहड़े आपाशी इलाके हैं ना, उन्हां दे विच जिमीदार ज़्यादातर मूंजी नूं तरजीह दिंदे ने, धान की फसल नूं तरजीह दिंदे ने। दोस्तों, तुसी जानदे हो कि धान दा जिहड़ी एक फसल है, इहदे ते मेहनत भी ज़्यादा हुंदी है और इहदे उत्ते खर्चा भी तुहाडा बहुत ज़्यादा हुंदा है। तो अक्सर छोटे जिन्हां दा रकबा थोड़ा है, वह फिर इस फसल दे विच मार खा जांदे ने। कुछ मौसमी हालात दे नाल अगर बारिशां ना होण ते चावल की फसल ते तुहानूं पता कि बहुत ज़्यादा खर्चा हुंदा है। तो ज़्यादातर जिमीदार किसान भाई जिहड़े आपाशी इलाके ने, वो मूंजी नूं फिर तरजीह दिंदे ने। तो मेरी परसनल राय है वे कि तुसी जिहड़े छोटे जिमीदार हैं ना, वो ज़्यादातर तिल की काश्त यानी कि गंदम के बाद करो। इस तरीके नाल तुसी साल दे विच तकरीबन तीन फसलां लै सकोगे, क्योंकि एंड ऑफ द मई जिहड़ा ये तिल की काश्त हुंदी, जिहड़ी मौसमी काश्त हुंदी है, और वैसे भी बहारिया काश्त भी हुंदी है, वो तकरीबन ज फरवरी मार्च के हुंदी है। तो उस तो बाद तुसी आसानी नाल मकई ये गड के यानी कि काश्त करके वो मकई भी टाइम ना काश यानी कि बर्दाश्त कर सकते हो, और उस तो बाद अपनी फिर दोबारा गंदम जिहड़ी है ना, ये कल्टीवेट कर सकते हो। तो तिल की अहमियत के बारे अगर गलबात करने हैं तो थोड़ी जी इसकी अहमियत ते रोशनी पा लें। तिल एक तेल का रिजनास है और ये तकरीबन खुरदनी तेल निकलता है जिहड़ा तकरीबन 50 से 60% हुंदा है, और ये ज़्यादातर ये इस्तेमाल की गल करिए तो आम तौर पर मेडिकल प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल हुंदा है। इस तो अलावा बेकरी की आइटम्स तुसी देखते होवोगे उन्हां च भी इस्तेमाल हुंदा है, और दूसरा अक्सर साढ़े नान भाई इन्हां दे उत्ते भी यानी जिहड़े नान बनांदे ने, नाना का कारोबार शहर च करदे ने, और उन्हां दे उत्ते भी तिल दे इस्तेमाल हैं। इस तरह होर कई ऐसा चीज़ा ने जिन्हों के यानी तेल का जो तेल है ना, ये इस्तेमाल होंदा है। इस अहमियत ना इनू काफ़ी अहमियत दी जाती है। दूसरी, अगर पाकिस्तान के तेल की काश्त के बारे गल करिए, पैदावार के बारे गल करिए, तो दोस्तों बहुत तो कम है। तकरीबन एक महतात अंदाजे के मुताबक पाकिस्तान के 42,000 टन यानी कि यह पैदावार जी सालाना होंगी है, ये जी ये भी जो 33,000 टन है ना, वो सूबा पंजाब दे यानी कि पैदा हुंदा है, और उस तो बाद जिहड़ा 5,000 टन वो बलोचिस्तान चो, फिर सिंध, तो इस तरह खैबर पख्तूनख्वा का जिहड़ा सूबा है ना, वो बहुत माइनर किस्म का ये पार्टिसिपेट करता है। इस तरीके नाल इस वक्त जिहड़ी सूरत हाल है, ये पाकिस्तान दे विच अगर इस तेल की काश्त करके और अच्छे तरीके नाल अच्छे असूलों के नाल इनू काश्त करके इहदी पैदावार भी इजाफा कर सकते हैं, और अगर क्वालिटी वाइज देखो तो अच्छी क्वालिटी जिहड़ी बाहरले मुल्कां नूं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा, अगर इंटरनेशनल लैवल ते गल करिए, जिन्हां दे जो तुर्की आज़रबाईजान ये जिहड़े मुल्क ने, ये जिहड़ियां आज़रबाईजान दीआं रियासतां ने, ये भी यानी कि तेल इंपोर्ट कर दें दूसरे मुल्कों तो। तुर्की ज़्यादातर इंडिया तो मंगवा है, इस तरह ये एक जड़ा ना बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो इस वजह तो मैं अपनी इस वीडियो का मौजू चुनाव किया यानी कि ताकि असी दोस्तों दस सकी। एक तो ये पैदावार यानी कि यदि जी पैदावार है ये तकरीबन 8 से 10 मण भी तुसी तेल की पैदावार लै सकते हो। वैसे तो अगर तुसी जरी असूलों के तहत उन्होंने काश्त करो तो 15 से 20 मण भी जाती है, लेकिन आम जिमीदार बड़ा अच्छा दराज तो इन ला रहे हैं, वो 8 से 10 मण, 5 मण, 7 मण, ये वो रेशो है जिहड़े कम खर्चे ते यानी तुसी इनू हासिल कर सकते हो। हुण इहदी असी जमीन की गलबात अगर करिए कि इहदी जमीन किस तरह की होनी चाहिए है। दोस्तों, आम तौर पर जमीन जिहड़ियां कम जरखेज़ ने वह भी ये जेरे इस्तेमाल लिया सकते हैं, उहदे च वी इहनूं असी कल्टीवेट कर सकते हैं। दूसरा, भारी मैरा जमीन, हल्की मैरा जमीन, सिर्फ तुसी ये ख्याल रखना है कि करलाठी जमीन, सेम ज़्यादा जमीन, थोर ज़्यादा जमीन यानी जिहदे विच पानी खलोंदा होवे उहदे विच तुसी अपने तिल की काश्त नहीं करनी,
क्योंकि जिस वक्त फसल दे विच पानी खलोएगा उहदे नाल फसल नूं नुकसान होण दे ज़्यादा चांसिस हुंदे ने। दूसरा, जिस वक्त तुसीं हुण गंदम की कटाई तो बाद अपनी जमीन नूं रौनी करो और उस तो बाद दो तो तीन दफ़ा उहदे च हल चलाओ। हल चलाउण तो बाद सुहागा मार के हल्लां मार के उहनूं अच्छे तरीके नाल भुरभुरा और जरखेज़ कर लो। और आखिरी हल चलाउण तो पहले, सुहागा मारन तो पहले एक DAP बोरी और इहदे नाल अद्धी बोरी पोटाश ये अपनी जमीन दे विच तुसीं इहनूं मिक्स कर लो, मिला लो। उस तो बाद तुसीं यानी कि इहदे बाकी इहदे तरीका यानी लाउण दा आ गया, उहदे विच छट्टे दे नाल वी इहनूं काश्त कीता जांदा है, घेरिया भी जा सकता है। तो मैं तुहानूं सुजैसट यही करांगा कि तुसीं अपनी जमीन की तैयारी तो बाद अच्छे तरीके नाल इहदा वैली दे विच छट्टा दिओ। बीज दा जिहड़ा है ये 1.5 to 2 kilo इस्तेमाल हुंदा है और उहदे च छट्टा दे के उस तो बाद तुसीं छोटियां रेजर नाल इहदियां जिहड़ियां खेलियां ने उह खेलियां कढ दिओ। खेलियां कढ़दे वक्त ये ज़रा ख्याल रखना कि रेजर के पिछे एक बाला यानी लकड़ी टाइप लैके वह बन लैना, उहदा फायदा तुहानूं ये होएगा जिहड़ी यानी खेलियां दी नोक होएगी वो थोड़ी थोड़ी बैठती जाएगी और उस तरीके ना वो खेलियां दे विच यानी कि कल्टीवेट हो जाएगा। इहदा तुहानूं फायदा की होएगा इस तरीके ना कि अगर खुदा न खास्ता बारिशों के दौरान इहदे च पानी आपाशी तुसीं करदे हो तो उहदे विच उहदे च पानी नहीं खलोएगा, वो जिहड़े तिलां दी फसल होएगी वो लाइनां दे उत्ते होएगी, वो इन्ना ज़्यादा नुकसान नहीं होएगा। दूसरा, इहदे विच अपनी जमीन का लैवल जरूरी है। लैवल कराउण दा मकसद सिर्फ दोस्तों ये हुंदा है कि जमीन की जी हमवार सतह हो जाती है, पानी की जी सतह है वह उच्चे नीवे पानी यानी कि एक जगह उच्ची पानी ना चढ़िया नीवी जगह ज़्यादा चढ़ गया दोनों तरफों जी फसल का नुकसान होंदा है। इस तरीके ना जिस तरह तुहानूं मैं DAP का इस्तेमाल कर ली। उस तो बाद दोस्तों गलबात यदी आ जाती है कि यूरिया खाद, वो अगर तुसीं यूरिया खाद दो तीन सिर्फ 2 या 3 पानी लगने ने उन्होंने नाल 18 किलो तुसीं इस्तेमाल कर सकते हो। आपाशी का जिहड़ा प्रोग्राम है वह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यानी कि अगर बरसात है कोई बारिशां पै रही उहदे मुताबिक तुसीं यानी कि उहनूं चेंज भी कर सकते हो। और तीसरी गल ये कि इहदे लई स्प्रेवां दा ये तुसीं खास ख्याल रखना है, इहनां नूं होर ज़्यादातर बीमारी नहीं लगती। यह पत्ते जिहड़ी कट्टण वाली बीमारी या कोई सुंडी लग गई वो तुसीं खास ख्याल रखो, अपने करीबी किसी जरिए माहरीन नाल मशवरा करके अगर तुहाडी फसल ते यानी कोई हमला हुंदा होवे ते वो तुसीं कोई स्प्रे करके उहनूं रिमूव कर सकते हो। इस तरीके नाल दोस्तो ये तुहाडी जिहड़ी फसल तकरीबन ये 100 to 110 दिनों दे विच तैयार हो जाएगी और 10 to 15 या 20 मन तुसीं अगर उहनूं अच्छे तरीके नाल उहदी हिफाजत करो तुहानूं यानी कि उहदी पैदावार आएगी। दूसरियां फसलों की निस्बत अगर इहदे हुण रेट वगैरह की गल कर रहे हां कि जिस वक्त तेल बर्दाश्त होंदे ने उस वक्त कोई भी फसल है कोई भी चीज़ है जिस वक्त आती मार्केट जो उहदी जिहड़ी ना रसद वो ज़्यादा हो जाती है, तलब घट हुंदी है, जिस दी बिना तो कुछ रेटां दी फ्लक्चुएशन थले दी तरफ हुंदी है। लेकिन मोस्टली तेल दे रेट जिहड़ा यानी कि सारे साल फ्लक्चुएट करता है वो 7 to 10 हज़ार तक जिहड़ा ना ये यानी कि विकदा है। तो इस तरीके अगर तुहाडी कूह ते बर्दाश्त है अगर तुसीं उहनूं थोड़ा जिहा होल्ड भी कर लेंदे हो तो उस तरीके दे नाल तुहाडे यानी कि आमदन च होर भी इजाफा हो सकता है। दूसरी आखिरी ते फाइनल चीज़, जिस वक्त यानी ये तिल दी फसल जिहड़ी है इहदी पक्कण दी निशानी की है दोस्तों, जिस वक्त ये पक जाती है तो इहदे उत्ते यानी कि जिहड़ियां फलियां लगदियां ने उहनां दा तुसीं ख्याल रखना है। ख्याल की रखना कि वह जिस वक्त पीलियां हो जाण तो समझो तुहाडी फसल तैयार है। बाज़ अकात ज़िमीदार दोस्त वो ख्याल नहीं रखते तो फसल जड़ी ना उहदे च पक के फलियां दे विचों किर जाती है जमीन ते और जमीन दे किरण नाल तुहाडी पैदावार दा नुकसान हुंदा। ये बड़ी टैक्निकली चीज़ है, अक्सर बेगौरी दे विच लोग ये चीज़ नूं भुल जाते हैं। और दूसरा इहदी क्वालिटी की गल करिए यानी किस्मां वरायटी की गल करिए तो इहदे च यानी कि ज़्यादातर जिहड़े किसान भाई है वह ना एक TH06 जिहनूं असीं तिली कहिंदे आ वो फसल है मोस्टली उहदी काश्त करते हैं। इस तो अलावा T05 और 03 ये भी एक ऐसी यानी कि वरायटी है। फर्क इन्हां च मैं तुहानूं दस दिया कि दोनों च फर्क ही है। तिली जिहड़ी है वन स्टिक पौधा हुंदा है यानी एक छड़ी टाइप यानी तान उभरदी है और उहदे नाल जिहड़ियां उहदियां फलियां लगदियां उहनां दे विच यानी कि उहदे बीज बनदे ने। और जिहड़ा दूसरी अकसाम ने वो जिहड़ियां ने
वो जरा फ्लाओ मार दिया ने, शाखा छड़ दिया ने, वो भी यानी कि वरायटियाँ अच्छिया ने, वो भी तुम काश्त करके अपनी पैदावार से इजाफा कर सकते हो। लेकिन मोस्टली तिली साडे इलाकों से भी होर लोग ज़्यादातर मोस्टली किसान भाई इस तिली की फसल इनू कहते हैं TH06 यदि इकसाम है। ये करने का फायदा की होंगे, वन स्टिक पौधा होंगे, यानी कि ये पौधे जमीन से ज़्यादा होंगे ने, ज़्यादा होने फलियाँ भी ज़्यादा हो गई, जिस फलियाँ ज़्यादा होनगियाँ उन्हों की पैदावार भी ज़्यादा होएगी। दोस्तों इस तरीके अपनी तिल की काश्त करके, और ये दो किस्म के होंगे ने, यानी कि एक सफेद तिल हों, एक काला तिल हों। ये सारिया गलां बातें दोस्तों ते मैं अपनी एक मालूमात ते शेयर करनी सी वो की है। दोस्तों अगर ये तुम्हें पसंद आए तो बराए मेहरबानी करके साढ़े इस जरी चैनल में यानी कि तुम सबसक्राइब भी करना, लाइक भी करना, और घंटी वाले निशान को दबाना ताकि इस तरह की होर मालूमात वीडियो ते तक टाइम नाल पहुँचती रहे। इन्होंने गलों बातों के नाल अपने मेज़बान अमानत अली इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।